लालच बुरी बला, असमिया लोक कथा। आसाम के एक गांव में तोराली नाम की एक लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती तोराली सबको प्रिय थी। बिहुतली रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास अनंत फुकन आया, वो उसी गांव में रहता था। उसने तोराली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। फुकन के पास धन दौलत की कमी न थी। तोराली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। सुबाग धान मंगल धाम कूटा जाने लगा। तोराली अनंत की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते फुकन के घर में गरीबी छा गई। तोराली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से फुकन की आंखें जाती रहीं। तोराली को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के दान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था, माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तोराली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। तोराली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। तोराली के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। फुकन के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। फुकन और तोराली अपने छठे सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात तोराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना, सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। तोराली ने मुंह पर हाथ रख कर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी, नहीं माँ मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना तोराली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। तोराली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। तोराली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। तोराली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और तोराली घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो तोराली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे, रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। तोराली और फुकन चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। तोराली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा फुकन चिल्लाता ही रहा। रोते रोते तोराली ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना पेट भर खाया। सदा की तरह तोराली ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ घर इसका हे रंग काला। सांप भीतर आया, तोराली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई, 5 बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे
जल्दी करने को कह रहे थे। तोराली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। तोराली बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वो 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया।